जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रेन अपने ट्रैक को कैसे चेंज कर लेती है। किसी स्टेशन पर जब दो दो एक्सप्रेस ट्रेनें एक साथ पहुंचती हैं और एक लेट से है एक टाइमली चल रही है, तो स्टेशन मास्टर पहले किस ट्रेन को छोड़ेगा। और साथ ही आप देखे होंगे कि जब ट्रेन क्रॉस करती है तो एक बाएं हाथ में हरा झंडा लेकर क्यों दिखाया जाता है। देखिए, रेलवे ट्रैक को बिछाने का 1 किलोमीटर बिछाने का खर्चा 20 करोड़ आता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि रास्ते में अगर पहाड़ है या ब्रिज है तो ये खर्च बढ़ सकते हैं। इस ट्रैक को बनाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसको इलेक्ट्रिक से चलाएं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिफिकेशन का खर्चा 1 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर आता है। देखिए, जो लोहे की पटरी गई है ना, उसको हम लोग कहते हैं रेल, और इस रेल पे चलने वाली गाड़ी को कहते हैं रेल गाड़ी। अब ये रेल को ऐसे ही बिछा देंगे तो धंस जाएगा, तो इसको आप पढ़े होंगे कि एरिया बढ़ा दीजिएगा तो प्रेशर कम लगता है, तो एरिया बढ़ाने के लिए इसके नीचे स्लीपर बिछाते हैं। पहले ये स्लीपर लकड़ी के हुआ करते थे, लेकिन बरसात में वो सड़ जाते थे, तो बाद में सीमेंट के स्लीपर को लाया गया। तो ये बीच में जो बिछाए गए स्लीपर है, एक रेलवे में जो ट्रेन में स्लीपर होता है सोने वाला, वो अलग है, ये लोहे का हो गया रेल, ये स्लीपर। रेल और स्लीपर को आपस में जोड़े रखने के लिए हम यहां पर एक क्लिप का प्रयोग करते हैं जो इस तरह से राउंड शेप में घुसा हुआ है, और क्लिप को फास्टनिंग द्वारा कस दिया जाता है। तो ये फास्टनिंग डिवाइस हो गया। रेल ट्रैक के किनारे बड़े बड़े पत्थर बिछा दिया जाता है, इन पत्थरों को हम बैलेस्ट कहते हैं। ये पत्थर कई रीजन से बिछाए जाते हैं, क्योंकि आप ट्रैक को तो ऐसे बिछा दिए हैं लेकिन उसमें मजबूती कहां है, कहीं से बांधे हैं उसको, कहीं से सीमेंट से ढलैया किए हैं, नहीं तो वो इधर उधर पूरा ट्रैक ही इधर से उधर हो जाएगा ट्रेन के लोड से, इसलिए वो इधर उधर ना घस के हम लोग क्या करते हैं ट्रैक पर पत्थर बिछा देते हैं ताकि उसको एक जगह सेफ मिल सके। साथ ही पत्थर बिछा देने से ट्रैक के नीचे की मिट्टी बरसात में खिसक के नहीं निकलती है, वरना दुर्घटना हो जाएगा। बैलेस्ट बिछा देने से इस ट्रैक पर जंगल झाड़ घास वगैरह भी नहीं निकलते हैं, लेकिन यह बैलेस्ट जो होता है ट्रेन की दबाव से नीचे से फूटने लगता है, जिसे बार बार मेंटेनेंस की जरूरत होती है। बैलेस्ट पर आप 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा ट्रेन को नहीं ले जा सकते हैं, वरना बैलेस्ट कंपन करके हट जाएगा, ट्रैक से दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसलिए इस बैलेस्ट की जगह पर हम कंक्रीट बैलेस्ट का प्रयोग करते हैं, पूरे सीमेंट की ढलैया कर देते हैं और उसी में ट्रेन को क्लिप फास्टनर से रेल को कस देते हैं। बुलेट ट्रेन चलाने के लिए आपको इसी कंक्रीट बैलेस्ट की जरूरत पड़ेगी, इस ट्रैक पर बुलेट ट्रेन ले ही नहीं जा सकते हैं। इस इमेज में देखेंगे तो बुलेट ट्रेन के आगे तो जो ट्रैक है उस पे तो बैलेस्ट पत्थर फेंका हुआ है, आप कहेंगे कि हम झूठ बोल रहे थे। देखिए, जब बुलेट ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रहती है तो वहां पर बैलेस्ट बिछा सकते हैं, क्योंकि स्टेशन के पास स्पीड ज्यादा नहीं होती है या डिपो में स्पीड ज्यादा नहीं होती है, लेकिन आगे के लिए आपको इसे कंक्रीट देना ही पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो देखेंगे तो दिल्ली मेट्रो का स्पीड ज्यादा नहीं है, फिर भी उसे कंक्रीट बैलेस्ट पर ही ले जाया जाता है, जिसका रीजन यह है कि दिल्ली मेट्रो ब्रिज से ज्यादातर गुजरी है, और अगर इस पर पत्थर रखेंगे तो वो पत्थर नीचे गिरेगा तो किसी का सर फोड़ सकता है, वाइब्रेशन के कारण वो गिर सकता है। लेकिन वही दिल्ली मेट्रो जब जमीन पर चलती है, कहीं कहीं वो जमीन पर है, कहीं सुरंग में है, कहीं ऊपर है, तो जब जमीन पर चलती है डिपो में चलती है तो देखिए वहां पर भी आपको बैलेस्ट ही मिलेगा, पत्थर ही मिलेंगे। रेलवे ट्रैक के किनारे आप देखे होंगे जो बैलेस्ट जमा किए जाते हैं वो ट्रेपेजियम के शेप में जमा किए जाते हैं, जिससे कि रेलवे को अपने बैलेस्ट चोरी होने से पता चल सके। उस ट्रेपेजियम के साइड साइड में व्हाइट कलर के चूना से पेंट कर दिया जाता है, और साथ ही ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के हम बैलेस्ट के भी पता कर सकते हैं कि कितना मात्रा है बैलेस्ट का। रेलवे स्टेशन पर आप मेन लाइन के किनारे इस तरह से लोहे की पटरी को देखे होंगे कि कुछ मात्रा में फंसा दिया जाता है और 1-2 फीट बाहर निकाल दिया जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि अगर हाई स्पीड से कोई ट्रेन जा रही है और बाय द वे एक्सीडेंट करके गिर गई तो रगड़ाते हुए आगे ना बढ़े, बल्कि इसी में फंस के यहीं रुक जाए और दुर्घटना को कम किया जा सके। लोहे के जो रेल होते हैं वो कारखाने में बनते हैं तो 10-20 किलोमीटर लंबे नहीं बनते, वो सेक्शन टुकड़े में बनते हैं, उन्हें हम वेल्डिंग करके जोड़ देते हैं। पहले थर्मल वेल्डिंग से इसे जोड़ा जाता था, फिजिक्स के चैप्टर वेल्डिंग में हम आपको पढ़ा देंगे कि कितने तरह की वेल्डिंग होती है। इस वेल्डिंग के द्वारा इसमें काफी ज्यादा स्मूथनेस आ जाती है, बहुत ही स्मूथ हो जाता है। लेकिन रेल ट्रैक को पूरे यहाँ रास्ते भर में एक ही नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मी के दिन में लोहा फैलता है, फैलने की वजह से अगर एक ही रेल रहेगा तो मुड़ जाएगा और ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। इसलिए कुछ जगह पर उसे काट कर हल्का सा गैप छोड़ देते हैं। अब इस हल्का सा गैप से अगर ट्रेन जाएगी तो इधर उधर भाग जाएगा, तो इसके साइड में एक फिश प्लेट जोड़ दिया जाता है। तो ये साइड में जो जोड़ा गया है ये फिश प्लेट है, और ये फिश प्लेट को एकदम चिपका के इसमें नहीं, इसमें खाली जगह छोड़ना चाहिए ताकि गर्मी के दिन में फैलने का जगह मिले। देखिए, ठंडी के दिन में सिकुड़ गया, गर्मी के दिन में देखिए एकदम चिपक गया है। यहां भी ये साइड में फिश प्लेट लगा हुआ है, तो जो 1.5 फीट का लगा है ये क्या है, फिश प्लेट है, इसमें खाली जगह दिया जाता है। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे थर्मल एक्सपेंशन, और थर्मल एक्सपेंशन में जो सीधे बढ़ता है उसे लीनियर एक्सपेंशन या रेखीय प्रसार कहते हैं। आप रेलवे ट्रैक पर इस तरह जालीनुमा आकृति देखे होंगे, इसे हम लोग रेल
प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम यानी TPWS कहते हैं। ये क्या करता है, ये सिग्नल से पहले लगाया गया रहता है ताकि ये ट्रेन के स्पीड को रोक सके। जैसे मान लीजिए आगे सिग्नल येलो है, येलो में आपको 30 के स्पीड में जाना है और आपकी स्पीड 70 का है, तो तुरंत ये क्या करेगा, सेंसर लोकोमोटिव इंजन में मैसेज कर देगा, वो ब्रेक अप्लाई करके स्पीड को धीमा कर देगा। या मान लीजिए आगे का सिग्नल रेड है और इधर कोई 90 की स्पीड में ट्रेन लेके गया, तो समझ जाएगा सुजुरा इतना तेज लेके जा रहा है, ठोक देगा आगे जाके, रोक दो इसको, तुरंत मैसेज कर देगा सुजुरा आगे सिग्नल रेड है, तो ब्रेक अप्लाई करके ट्रेन को रोके देगा। वहां पर रेल ट्रैक के किनारे आप इस तरह से सफेद पत्थर देखेंगे, इस पे कुछ अंक लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए यहां लिख दिए 781/7, ये क्यों लिखा रहता है, ये ड्राइवर के लिए लिखा रहता है कि अगर ड्राइवर ट्रेन को लेके जा रहा है और उसे ट्रैक में कोई गड़बड़ी दिखाई देती है तो उसे गांव शहर का पता नहीं रहता है कि कहां से गुजर रहे हैं, तो वो तुरंत इसी नंबर को देख के इन्फॉर्म करता है कि 781/7 के पास हमने एक गड़बड़ी देखा था, आप उसको तुरंत ठीक कीजिए, वरना ड्राइवर को क्या पता कि किस गांव से निकला है वो। साथ ही इस पत्थर को थोड़ी दूरी पर लगाया जाता है ट्रैक के, ताकि इससे भी ये भी पता चल जाए कि कहां तक रेलवे की जमीन है, इस पत्थर के अंदर का जमीन रेलवे का, बाहर की जमीन वह गांव की जिसकी जमीन है उसकी हो जाती है। देखिए रेलवे में जो हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं वो मेन लाइन के थ्रू जाते हैं, ये मेन लाइन सीधे गई रहती है, लेकिन जब स्टेशन पे ट्रेन आती है तो ये कई सारे लूप लाइन के थ्रू आती है। इस लूप लाइन पे हम आराम से चढ़ सकें इसलिए इसके किनारे प्लेटफॉर्म बना दिए जाते हैं। तो मेन लाइन से जहां लूप लाइन चालू होता है उसे हम कहते हैं स्टेशन सेक्शन, यहां की जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की होती है। इसके बाहर जब मेन लाइन चला जाता है उसे कहते हैं ब्लॉक सेक्शन, उसके ट्रेन किधर गई ये स्टेशन मास्टर को नहीं पता है, ये कंट्रोलर को पता होता है। कंट्रोलर ट्रेन को ले आता है ब्लॉक सेक्शन से मेन लाइन के थ्रू और यहां पर स्टेशन मास्टर को हैंड ओवर कर देता है कि तुम अपने हिसाब से प्लेटफॉर्म देखो कौन सा लूप लाइन खाली है और वहां ट्रेन को ले लो। तब स्टेशन मास्टर पॉइंट मशीन द्वारा इसके ट्रैक को चेंज करता है, कैसे पटरी चेंज करता है उसे अपने प्लेटफॉर्म पर लेता है। देखिए यहां लूप लाइन में एक खतरा हो सकता है, मान लिया कि ये मेन लाइन है, इस मेन लाइन से कोई ट्रेन आई है और इधर लूप लाइन में गई, लूप लाइन में गई और ये जो इसका ड्राइवर है ये पहले ही रोक दिया थोड़ा आगे अपने हिसाब से कि भैया हम रोक दिए, और ये ट्रेन लंबी होने के वजह से इसका पिछला हिस्सा अभी मेन लाइन पर ही है। अब आप बताइए इसका पिछला हिस्सा मेन लाइन पर है और आगे से कोई ट्रेन आ रही है, स्टेशन मास्टर उसको कहा कि भाई तुम्हारा स्टॉपेज यहाँ नहीं है, तुम सुपर फास्ट हो निकलो यहाँ से, तो ये यहाँ से आएगी या धड़ाक से इसके पिछला हिस्सा को मार के तोड़ के निकल जाएगी। तो इसको ज़रूरी है कि कोई भी ट्रेन प्रॉपरली लूप लाइन के अंदर घुस के स्टेशन सेक्शन पर खड़ी रहे ना कि मेन लाइन पर खड़ी रहे। तो इसकी पहचान कैसे किया जाएगा, तो गार्ड इसकी पहचान करता है। गार्ड को कैसे पता चलेगा कि हाँ भैया हम प्रॉपर स्टेशन पे घुस चुके हैं, तो इसके लिए वहां एक FM लिखा रहता है जिसे हम कहते हैं फॉलिंग मार्क, आप देखे होंगे ट्रेन के ट्रैक के किनारे। तो जो गार्ड का डिब्बा है वो इस FM के अंदर रहना चाहिए, अगर इस FM के बाहर है तो समझ जाइए उस ससुरा लूप सेक्शन पे नहीं है, वो मेन लाइन पे है, कोई ना आगे पीछे आके इनको थूर के चल जाएगा। कभी कभी आप देखे होंगे कि ड्राइवर जो होता है ना ट्रेन का वो पहले ही ब्रेक लगा देता है और गार्ड से कहता है चेक करिए तो क्या है, तो गार्ड देखता है FM किधर है, देखते अरे ससुर FM तो अभी अगवे है, कहते हैं आगे ले आगे ले आगे ले, अभी ठोक देगा कोनो पीछे से ले आके। तो ड्राइवर जो होता है ना फिर ट्रेन को थोड़ा दूर चला के रोक देता है, तो प्लेटफॉर्म के लोग घबरा जाते हैं, ये माई चला दिलो रे, अरे भाई वो अभी एडजस्ट कर रहा है। आप एक चीज गौर किए होंगे, ट्रेन में रिजर्वेशन का इतना मारामारी होता है, इतना भीड़ भाड़ होता है, सुसर ट्रेनवा को लंबा काय नहीं बनाता है, कम में डिब्बा क्यों जोड़ता है, और आप देखे होंगे मालगाड़ी में ज्यादा डिब्बा होता है और सवारी गाड़ी में कम डिब्बा होता है, ऐसा नहीं होता है। देखिए डिब्बे का जो संख्या होता है ये डिपेंड करता है लूप लाइन कितना बड़ा है। जैसे यहाँ हम एक ट्रैक बना दिए हैं, ये जो है ये आपका मेन लाइन है, मेन लाइन के बाद अब ट्रेन पे जो खड़ी होगी ये लूप लाइन पे खड़ी होगी, लूप लाइन पे ही बना रहता है प्लेटफॉर्म। जो लूप लाइन होता है इंडिया का वो 650 मीटर का होता है, हम लिख दिए हैं लूप लाइन कहिए या प्लेटफॉर्म कहिए, वो 650 मीटर का होता है, यानी आपकी ट्रेन 650 मीटर से लंबी नहीं होनी चाहिए। अब यहां समझिए ट्रेन की संख्या कैसे डिसाइड करेंगे, डिब्बों की संख्या, जो लाल वाली LHB कोच होती है वो 24 मीटर की होती है, हालांकि इसमें दशमलव में वैल्यू होता है, हम दशमलव पे नहीं जा रहे, 24 मीटर की होती है। अब बताइए 24 से भाग दीजिए 650 में और उसके बाद भी उसमें एक इंजन जोड़ना रहता है, उसकी भी संख्या को भी आपको मायने रखना है, तो LHB कितना जोड़ते हैं 23 ठो। और अगर आप नीले वाले ICF की तुलना करेंगे तो ICF की जो लंबाई होती है वो 22 समथिंग मीटर होती है, हम 22 मीटर लिखते हैं। अब इस 22 मीटर से आप भाग देंगे 650 में और फिर उसमें एक एक्स्ट्रा 20 मीटर जगह छोड़िएगा इंजन के लिए, तो वो 24 से 25 बॉगी के लिए फिट होता है इस लूप लाइन पे। इससे ज्यादा बढ़ाएंगे ना तो ससुरा लूप लाइन के बाहर चल जाएगा, फॉलिंग मार्क के पीछे गार्ड का डिब्बा रहेगा, मारेगा कोनो पीछे से धो के चल जाएगा। तो ससुरा मालगाड़िया का इसे लंबा जोड़ लेती है। तो देखिए मालगाड़ी में दो तरह के ज्यादा डिब्बों का प्रयोग होता है, इस पर हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं उसको। जो खुले डिब्बे वाले होते हैं उसे कहते हैं बॉक्सेन, तो बॉक्सेन जो होते हैं सब उसकी जो लंबाई होती है वो 10 मीटर होती है। अब 10 मीटर लंबाई होने की वजह से आप 650 में भाग
दीजिएगा, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा इंजन के लिए, तो ये 60 से 64 यानी लगभग 62 डिब्बा को जोड़ सकता है। इसलिए लगता है बाप रे बहुत लंबा है, लंबाई सेम है बस डिब्बा ज्यादा है क्योंकि डिब्बा छोटा है। और ये कवर वाला देखेंगे बीसीएन को, तो बीसीएन की लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है 15 मीटर, तो इसको भाग दीजिएगा आप 650 में, तो ये लगभग 42 तक में ये सूटेबल बैठता है क्योंकि इंजन को भी रखना है, तो ये 42 डिब्बा जोड़ सकता है। तो देखिए मालगाड़ी लंबी नहीं होती है, मतलब उसके डिब्बे छोटे होने की वजह से वो लंबी दिखती है। आप कहिएगा सर तब क्या जरूरत है हमको इतना ट्रेन बढ़ाने की, क्यों ना हम सबका लूप लाइन में बढ़ा दें। अब लूप लाइन बढ़ाइएगा ना तो पूरे हिंदुस्तान के स्टेशन को तोड़ना पड़ेगा और उनके लूप लाइन को बढ़ाना पड़ेगा, फिर प्लेटफॉर्म बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए रेलवे कहती है कि इससे अच्छा है क्या है कि भैया ट्रेनें की संख्या बढ़ा देते हैं। अब आप कहेंगे कि सर रेलवे का खड़गपुर स्टेशन, सोनपुर स्टेशन, अभी गोरखपुर रेलवे स्टेशन का ये लूप लाइन इतना बड़ा क्यों है। देखिए रेलवे स्टेशन जो बनाए जाते हैं वो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से बनाए जाते हैं। गोरखपुर के इस साइड में प्लेटफॉर्म बढ़ाने का जगह नहीं है ना इस साइड में, सामने जगह है, तो वो क्या किया गया ना इस लूप लाइन को ही बहुत ही लंबा कर दिया गया है एक ही ट्रैक को, और उस पे 3 प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 2A। तो इस तरह करके 1355 मीटर लंबा कर दिया गया उसको और वो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया है गोरखपुर का। अब आप सोचिएगा कि गोरखपुर में कैसे ट्रेन चल जाती है, तो देखिए मान लिया कि कोई ट्रेन है यहां पर आकर खड़ी हुई, ठीक है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और यहां पहले से एक ट्रेन है तो जाएगी कैसे, तो यहां पर एक सेक्शन बनाया गया, यहां से जाती है उसके बाद ये मेन लाइन होकर चली जाती है। मान लीजिए कि ये दोनों प्लेटफॉर्म भरा हुआ है, ट्रेन को लेना है अगले 2A पर यहां पर, तो इस मेन लाइन से ट्रेन को लाया जाएगा और यहां क्रॉस सेक्शन से इसे घुसा दिया जाएगा। मान लीजिए बीच में कोई ट्रेन खड़ी है इसको निकलना है तो यहां से भी इस पे निकाल दिया जाएगा मेन लाइन से निकालकर, उस पे पैनल बदलने का सिस्टम रहता है जिसको अभी हम समझाते हैं। रेल प्लेटफॉर्म पर आप इस तरह के एक आकृति देखे होंगे जिसमें खुरदुरा निकला रहता है गोटी टाइप का, ये रेड कलर के भी होते हैं, ये एक्चुअली विकलांग लोग के लिए बनाया जाता है हैंडीकैप के लिए, ताकि वो इस खुरदुरे को पहचान के समझ सके कि उनका जो हैंडीकैप बॉगी होता है वो इसी के पास आएगा। देखिए जब कोई ट्रेन क्रॉस करती है स्टेशन से तो स्टेशन पर एक फ्लैगमैन होता है जो बाएं हाथ में ग्रीन झंडा को लेकर उस ट्रेन को देखते रहता है कि कहीं इसमें कोई खराबी तो नहीं है, कुछ चक्के वगैरह में फॉल्ट या कोई आवाज तो नहीं आ रहा, अगर आवाज आएगा तो दाहिने हाथ से तुरंत लाल झंडा दिखा देगा। अब आप कहिएगा ड्राइवर बा तो चल गया हरियर का देख के, अब रोकेगा कौन, तो पिछवा से गार्ड आ रहा है वो कहेगा नहीं इसे चुरा कहीं कहीं तो लाल दिखा रहा है, इसका मतलब इसको कुछ गड़बड़ी दिखा है, तुरंत वॉकी टॉकी पे फोन करेगा ए मिश्रा जी रोकिए रोकिए महाराज कुछ गड़बड़ी है वो लाल दिखा रहा है। आप भी ट्रेन को लाल झंडा दिखाकर रोक सकते हैं, लेकिन जैसे आप ट्रेन को रोकिएगा जीआरपी आपको पकड़ के कारण पूछेगी और अगर कारण अच्छा नहीं रहा ना तो जेल में डाल देगी आपको। इसलिए बिना उपयुक्त कारण के जब तक ट्रेन में कोई गड़बड़ी ना दिखाए आप ट्रेन को नहीं रोक सकते। रात के समय आप देखिएगा, रात के समय ट्रेन पे किनारे जब स्टेशन पे घुसती है तो नीचे दो ट्यूबलाइट लगाया रहता है, एक आदमी टॉर्च से देखते रहता है कि इसके जो बॉगी है चक्के में इसमें सब ठीक ठाक तो है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। रेल इंजन के बारे में हम आपको A to Z बता दिए थे, आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। रेल इंजन आप एक चीज देखे होंगे, रेल इंजन के आगे यहाँ कुछ लिखा रहता है शहर का नाम, जैसे हावड़ा, झांसी, गाजियाबाद, कटनी, रांची, इस टाइप का कुछ कुछ लिखा रहता है। ये इसके डिपो और शेड को बताता है कि ये किस शेड का लोकोमोटिव इंजन है, यानी ये बिगड़ेगा तो कहाँ जाके बनेगा, और यही इसी का डिपो जो है ये इस बात की जिम्मेदारी रखता है कि ये लोको अभी किस ट्रेन में है और कहाँ पर है, इसका रिकॉर्ड वही रखता है। जैसे ये हावड़ा है तो हावड़ा डिपो ही को पता होगा कि ये उसका इंजन जो है ये 3032 नंबर का ये इंजन कहाँ पर है, किस ट्रेन को अभी ये पुल कर रहा है, तो ये सारा रिकॉर्ड स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी नहीं रहती है, ये उस शेड और उस डिपो की जिम्मेदारी रहती है, और अगर इसमें कोई गड़बड़ी रहता है तो दूसरे लोकोमोटिव से खींच कर इसको इसकी शेड में भेज दिया जाता है कि देखो भैया ये तुम्हारा शेड है इसमें क्या गड़बड़ी आया है। ट्रेन से ज्यादा सिक्योरिटी तो हमको रेल की रखनी पड़ती है कि ससुरा रेल ट्रैक वह ठीक है कि नहीं, तो सबको उलाट देगा। तो रेल ट्रैक के अंदर आई कुछ भी गड़बड़ी या क्रैक का पता लगाने के लिए हम अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर नामक मशीन का प्रयोग करते हैं। ये इस ट्रैक में अल्ट्रासाउंड मशीनों को तरंगों को भेजती है और अगर उस तरंग 100% वापस नहीं आते हैं, किसी क्रैक से निकल जाते हैं, तो समझ जाता है कि भैया यहाँ ट्रैक में गड़बड़ी है, उसको चेंज करके निकाल दिया जाता है। आप इस तरह से देखे होंगे ट्रैक पर घुमाते हुए ऐसे छोटी मशीनों को। देखिए हम लोग के यहाँ डबल रेल ही चलती है, दो ठो ट्रैक होती है, लेकिन यूरोप वगैरह में अन्य देशों में थर्ड रेल भी होती है। थर्ड रेल क्या होता है, दो रेल पर जो ट्रेन के चक्के दौड़ रहे होते हैं और एक रेल पर बिजली की सप्लाई दी गई रहती है और वहां से वो बिजली ले रहा होता है। आप यहां देखिए ये थर्ड रेल से अपनी बिजली ले रहा है, ये सुरक्षित नहीं माना जाता है, कोई चढ़ गया तो मरिए जाएगा ससुरा, लेकिन इसका प्रयोग
प्रयोग हम सुरंगों में करते हैं, मान लिया कि सुरंग में ऊपर तक जगह नहीं है ऊपर से OHE ले जाने का, तो थर्ड रेल से हम उसको बिजली देकर ले जा सकते हैं। देखिए ट्रेन का जो चक्का होता है वो अंदर से ट्रैक को पकड़ के चलता है, अंदर से पकड़ा रहता है, तो जरूरी है कि अंदर का एरिया ट्रैक का खाली रहे, कोई कचरा ना जाए। तो जब सड़क को क्रॉस करते हैं ना रेलवे लाइन से, तो सड़क बीच में भी भर दिया जाता है। तो मान लिया कि आपने बीच में सड़क भर दिया, तो ये इसका सीमेंट अंदर भर जाएगा। अब अंदर भर जाएगा तो ट्रेन जो होता है वो अंदर से ही पकड़ कर चलता है, अंदर से पकड़ के चलेगा तो कंक्रीट में टकरा के उलट सकता है, इसलिए यहां पर एक ठो गार्ड रेल को जोड़ दिया जाता है। ये गार्ड रेल जो होता है कि किसी भी कचड़े को ट्रैक के पास नहीं आने देता है जहां रोड क्रॉस हुई रहती है। साथ ही ब्रिज पे भी ये भी आकार का गार्ड रेल आप देखिएगा, ये ब्रिज को जो एक्स्ट्रा मजबूती देने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि ब्रिज के नीचे जो जमीन नहीं रहती है तो एक्स्ट्रा मजबूती देने के लिए भी शेप का गार्ड रेल बना दिया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं गार्ड रेल। देखिए ट्रेन की जो पटरी होती है वो चेंज कैसे करती है, ट्रेन का जो चक्का होता है ना वो ट्रैक को अंदर से पकड़ कर चलता है। अब अंदर से पकड़ के चलेगा तो वो इस ट्रैक को, जैसे मान लीजिए कि इन दोनों ट्रैक को पकड़ा हुआ है, इसको पकड़ के चलेगा तो ये यहाँ अंदर से जाएगा, अंदर से जाने के बाद इसको पकड़ के इधर चला जाएगा, और अगर इन दोनों को पकड़ा है तो ये अंदर अंदर यहां से चला जाएगा। ट्रैक बाहर से नहीं बल्कि अंदर से पकड़ के चलते हैं। पहले इन ट्रैक को घुमाने के लिए एक ट्रैकमैन होता था जो इसको घुमाता था, पॉइंट मैन बोला जाता था उसको, और ये पॉइंट मैन जहां ज्यादा ट्रैक होते थे तो उसके लिए केबिन बना दिया जाता था। आज ये केबिन किसी काम के नहीं है, हालांकि बड़े स्टेशनों पे मालगाड़ियों के संटिंग के लिए इसका काम किया जाता है। आप इस तरह से देखे होंगे जैसे ट्रेन में घुसते होंगे स्टेशन के एरिया में, तो आपको केबिन मिलता होगा, दोनों साइड में केबिन, पश्चिम केबिन, पूरब इस तरह से लिखा रहता होगा। आज के समय में जो ट्रेन ट्रैक चेंज करती है वो एक पॉइंट मशीन द्वारा चेंज कर देती है। जैसे यहाँ देखिए एक मशीन होती है, ये जो स्विच पॉइंट होता है इस ट्रैक को आगे पीछे करके घुमा सकती है। आप यहाँ समझिए, फिर वीडियो में समझाते हैं। ट्रेन जो होता है उसका चक्का वो अंदर से पकड़ के चलता है ट्रैक को। अब यहाँ देखिए ट्रेन का चक्का ये अंदर की ओर एक्स्ट्रा निकला हुआ है इतना, तो ये जो होता है एक्स्ट्रा निकला हुआ ये अंदर से पकड़ लेता है ट्रैक को। अब देखिए ये ट्रैक जहाँ जाएगी ना वहीं ये ट्रेन जाएगा, ट्रेन में स्टेयरिंग नहीं होती है। ट्रेन का चक्का पटरी को अंदर से पकड़ लिया है, अब पटरी जिधर जाएगी ट्रेन उधर जाएगी। अब आप बताइए यहां से अगर इसको पकड़े हुए हैं और यहां से इसको पकड़े हुए हैं अंदर से, तो आप बताइए यहां अंदर से पकड़ेगा तो ये वाली ट्रैक तो साइड में है, इसको तो पकड़ ही नहीं पाएगा, तो ये सीधे निकलेगा इस ट्रैक के थ्रू यहां से सीधे, और यहां देखिए यहां आ गया है तो ये अंदर से इधर वाली ट्रैक को पकड़ लेगा, और इधर वाली ट्रैक को पकड़ के ये इधर से घूम जाएगा, समझ में आया। लेकिन अगर वही हिस्सा अगर हम कहेंगे इसमें कि अगर हम इसका पॉइंट चेंज कर दे, इसको उधर सटा दे, तो ये वाला इधर से हट जाएगा तो ये इधर चला जाएगा और ये वाला इस ट्रैक पर आ जाएगा। देखिए ट्रेन में जब एक सिंगल लाइन होता है, मेन लाइन डबल ना होकर एक ही सिंगल लाइन होता है, तो प्लेटफॉर्म से जब ट्रेन को छोड़ा जाता है तो बीच में एक ही ट्रेन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि बीच में डबल रास्ते नहीं है आने जाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में ट्रेन को क्रॉसिंग कराया जाता था, जैसे मान लीजिए आगे से कोई ट्रेन छोड़ दिया है तो किसी ट्रेन को आप स्टेशन पर रोक के रखिए जब तक कि वो आगे से क्रॉस ना कर जाए, तो इसे क्रॉसिंग कहते हैं, टेक्निकल भाषा में एग्जिंग कहते हैं। जैसे यहां देखिए ये ट्रेन खड़ी है यहां पर, इसको रोक के रखा गया जब तक कि ये मेन लाइन से ये वाली ट्रेन आगे से क्रॉस न कर जाए। जब किसी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर खड़ा कराकर सिंगल लाइन के होने के वजह से आगे से क्रॉस करा दिया जाता है, उसके बाद इसको भेजते हैं, तो इसे हम लोग एग्जिंग या क्रॉसिंग कहते हैं, टेक्निकल भाषा में एग्जिंग हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग। लेकिन आज के समय में डबल लाइन है, आने वाला रास्ता अलग है जाने वाला रास्ता अलग है, तो कोई ट्रेन सामने से आ रही है तो उसके लिए कोई रुकता ही नहीं है, बाई वाली ट्रैक से चला जाएगा इधर वाला, उधर से आ जाएगा वो, तो डबल ट्रैक होने से क्रॉसिंग होती ही नहीं है, डबल ट्रैक होने से प्रेसीडिंग होने लगती है। कैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेन आ गई, अब दोनों ट्रेनें एक साथ प्लेटफॉर्म पर आई हैं, अब स्टेशन मास्टर किसको छोड़ेगा, तो मान लीजिए एक पैसेंजर है एक सुपर फास्ट है, तो पहले सुपर फास्ट को छोड़ देगा। सुपर फास्ट को ज्यादा वैल्यू दिया गया तो किसी चीज को ज्यादा वैल्यू देना प्रोसीडिंग कहलाता है, तो इसको क्या कहते हैं प्रोसीडिंग, मतलब एक कम वैल्यू की ट्रेन को रोककर एक ज्यादा वैल्यू की ट्रेन को पीछे से क्रॉस करा दीजिए, तो इसे प्रेसीडिंग कहते हैं। लेकिन क्या होगा जब सेम कैटेगरी की ट्रेन, जैसे मान लीजिए दो सुपर फास्ट एक साथ पहुंच जाए, अब इसमें किसको प्रेसीडिंग दीजिएगा भैया, कौन जाएगा पहले, तो इसमें जरूर कोई ना कोई लेट होगी। तो इंडियन रेलवे का हिसाब है कि लेट ट्रेनों का हिसाब रखना है कि किस स्टेशन पे कितना मिनट लेट हुई। अब मान लीजिए एक ट्रेन आई है वो भी सुपर फास्ट है, दूसरी वो भी सुपर फास्ट, लेकिन एक लेट है, तो उस ससुरा का चार्ट अपने बनिए रहा है कि कहां कहां लेट हुई है, अब उसके चक्कर में दूसरों को लेट करिएगा तो इसका भी लिस्ट बनाना पड़ेगा। इसलिए अगर सेम टाइम पे पहुंच गई है या फिर जो लेट है वो पहले पहुंची है और जो टाइम से है वो बाद में आई है, तो क्या करेंगे, जो टाइम से आई है उसको क्या कर देंगे, प्रेसीडिंग कर देंगे, निकाल देंगे, भैया तुम निकल पहले क्योंकि तुम्हारा हिसाब किताब नहीं हो रहा है, तुम टाइम से है, अरे बकलोला लेट हो गया तू बाद में निकलियो।